हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी हैप्पी विद स्वर्ग। तो देखिए, आज हम लोग जा रहे हैं रिलायंस फ्रेश मार्ट में कुछ ग्रॉसरी आइटम्स लेने। तो हम देखिए घर से निकल चुके हैं और हम वॉक करते करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। इस तरह से शाम की वॉकिंग भी हो जाती है और थोड़ा हम घूम फिर लेते हैं। तो ये देखिए, हम चलते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शाम होने को है, थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। ठंड के मौसम में वैसे भी अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो देखिए, हम जा रहे हैं, रोड पे काफ़ी चहल पहल है। और ये देखिए, लगभग हम पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, मेरी बेटी मस्ती करते हुए चलते हुए जा रही है। इसको रोड पे चलना बहुत पसंद है। ये फ्रेंड्स रोड नहीं है, ये पार्किंग एरिया है। तो हम पार्किंग एरिया से जा रहे हैं। ये देखिए, वो मस्ती में चलते हुए आ रही है। फ्रेंड्स, जो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पर अभी तो स्टॉल बंद है, लेकिन वहाँ पर 5 रुपये प्लेट खाना मिलता है। जो लोग गरीब हैं वहाँ पर खाते हैं आकर। और ये देखिए, लगभग हम पहुँच चुके हैं। ये रही हमारी बिल्डिंग। हमें इसी के अंदर जाना है। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये ई कार्ट का ऑफिस है। यहाँ से पार्सल मतलब डिलीवर होते हैं। और ये हम रिलायंस फ्रेश मार्ट पहुँच चुके हैं। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, अंदर जाते ही हमने पहले जेंट्स वेयर देखे। ये देखिए, ट्राउज़र्स, पैंट्स, शर्ट्स, काफ़ी अच्छी अच्छी शर्ट्स भी थी। तो रेंज भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। ये देखिए, टी शर्ट्स। फिर बाद में हम लोग स्लीपर्स भी देख रहे थे, और स्लीपर्स भी अच्छे अच्छे थे, मतलब 200, 100 रुपीज़, 69 रुपीज़। ये देखिए, यहाँ पे देखिए किड्स वेयर है। किड्स वेयर में से हमने कुछ नहीं लिया, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया और प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई था। प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, इसके लिए हमने नहीं लिया। तो यहाँ फूड आइटम में से हम कुछ ले रहे थे। और ये देखें, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ग्रॉसरी, फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स और फैशन वेयर, कुछ सब कुछ मिलता है यहाँ पर। और ये देखिए, फ्रूट्स, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रूट्स लगे हुए थे। फिर इधर हम लोग राइस ले रहे थे, राइस भी अच्छी क्वालिटी के थे और प्राइस भी इनका ठीक था। ये देखिए, हमारी बच्ची बास्केट में बैठी है और ये मस्ती कर रही है। इसको बास्केट में बैठ के घूमना बहुत पसंद है। तो ये देखिए, बिस्किट्स लगे हुए हैं और ये न्यूट्री चॉइस वाली बिस्किट्स मैं देख रही थी, अच्छे होते हैं खाने में ये। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और क्योंकि देखिए दोस्तों, क्रिसमस आने वाली है, तो यहाँ पे क्रिसमस की सजावट भी की हुई थी, तो मैंने सोचा इसका भी शॉट्स ले लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैगी भी मैंने ली थी। काफ़ी मतलब इसमें स्टॉक फुल था, क्योंकि लगता है अभी भी इसे फिल किया गया था। तो ये देखिए, वापस हम घर की तरफ निकल चुके हैं। और जाते समय काफ़ी लेट हो गया था, इसकी वजह से हम लोग ई रिक्शा से जा रहे हैं। तो और ये देखिए, रात भी हो गई है और घर जा चल के हमें खाना भी बनाना है, तो इसलिए हम ई रिक्शा से आ रहे हैं। बस अब थोड़ी ही देर में हम घर पहुँच जाएँगे। देखिए फ्रेंड्स, बस हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए,
देखिए फ्रेंड्स, हम घर पहुंच चुके हैं और मैं घर पहुंच के मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए देखिए, मैंने सबसे पहले घी कढ़ाई में डाल दिया है, उसके बाद मैं घिसे हुए गाजर डाल रही हूँ कद्दूकस करके, और इस गाजर को मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। ये देखिए, पहले मैं इसे उलट पुलट कर दे रही हूँ, इसके बाद मैं इसे ढककर पकाऊँगी ताकि गाजर जो है वो अच्छी तरह से भून जाए, पक जाए और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो आप गाजर को घी में भूनकर बनाते हैं उसका हलवा बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए आज मैंने सोचा मैं इसे कुकर में ना बना करके इसे मैं कढ़ाई में भून कर बनाऊँगी। कुकर वाले भी अच्छे लगते हैं, बट आज मैंने कढ़ाई में ही बनाया है। तो ये देखिए, हमारा गाजर जो है वो पक कर तैयार है, तो इसमें हम दूध ऐड करेंगे। हमारा गाजर जो है वो 1 किलो के अप्रॉक्स था, इसलिए मैं इसमें 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाल रही हूँ, और क्योंकि मेरे पास मावा नहीं है तो मैं दूध में ही से पकाऊँगी, इसीलिए मैंने इसमें दूध थोड़ा ज़्यादा डाला है कि गाजर के हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगे खाने पर। तो ये देखिए, इसे मैं अच्छी तरह से पका लूँगी, और जैसे जैसे ये हलवा पकता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर जो है वो और निखर कर आ जाएगा। तो ये देखिए, जब ये पककर थोड़ा सा हो गया तो मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं इसमें ड्राई फ्रूट नहीं ऐड कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे कि काजू। काजू ही सबसे अच्छा लगता है, बट मेरे पास नहीं थे अवेलेबल इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो ये देखिए, हमारा हलवा जो है वो लगभग बन के तैयार है, काफ़ी टेस्टी हलवा बना है। और ये देखिए, तो दोस्तों, ठंडी के मौसम में गाजर का हलवा बहुत सभी को पसंद आता है, तो आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। इसमें फ्रेंड्स, लास्ट मैंने इलायची पाउडर भी डाला है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें।